प्यारे बच्चों, एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, कछुआ और खरगोश। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और मिलजुल कर जंगल में रहते। एक दिन इन दोनों दोस्तों ने सोचा कि हम मिलकर रेस लगाते हैं। ये सुनकर कछुआ बहुत हंसा और कहा कि ये क्या कह रहे हो, इतनी दूर का सफ़र है जहाँ हमें पहुँचना है। मैं तो दो कलांचे भरूँगा और पहुँच जाऊँगा, तुम क्या करोगे, सारा दिन घिसटते रहोगे फिर भी नहीं पहुंच पाओगे। मैं तो बहुत तेज़ हूँ, मेरी रफ्तार का क्या मुकाबला, हवा की तरह उड़ता हूँ और ये जा और वो जा। तुम्हारा क्या है, सारा दिन घिसटते रहते हो, ज़रा ज़रा सा हल्के हल्के चलते हो, जहाँ पहुंचना हो शाम हो जाती है, तुम भला कैसे रेस लगाओगे मेरे साथ। बेचारा ये कछुआ ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उसने सब्र किया और उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैंने तो हिम्मत नहीं हारनी और रेस तो लगानी ही है। उसने खरगोश मियाँ से कहा कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ देखा जाएगा, अब कहा है तो रेस तो लगानी है। वो दोनों दोस्त इस बात पर राज़ी हो गए और उन्होंने कहा कि चलो हम आज रेस लगाते हैं और शुरू करते हैं। सारे जंगल को पता था कि आज कछुए और खरगोश की रेस है, बस सब लोग इंतज़ार में थे और कछुए और खरगोश ने रेस का स्टार्ट किया। रेस के शुरू होते ही खरगोश जो था वो तो उड़नछू हो गया, देखते देखते वो तो गायब, और कछुआ बेचारा तो अभी शुरू ही कर रहा था, लेकिन उसके इरादे बहुत बुलंद थे, उसकी हिम्मत भी बहुत जवान थी। ऐसे देखते देखते खरगोश तो कछुए से बहुत आगे निकल गया, काफ़ी दूर, और कछुआ बेचारा पीछे अभी रींग रींग के चल रहा था अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो चलता रहा, थका नहीं। इधर खरगोश मियाँ, काफ़ी सारा फासला तय करने के बाद उसे एक घना दरख्त नज़र आया। उसकी ठंडी ठंडी छांव देखकर उसका जी चाहा कि वो यहाँ पर थोड़ी देर रह जाए। उसने सोचा, मैं तो हूँ ही रफ्तार का बड़ा तेज़, आधा सफ़र मैंने तय कर लिया है और आधा को मैंने 2 मिनट में तय कर लेना है। कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा, रींग रींग के बेचारा चल रहा होगा, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, जीतना तो हर हाल में मुझे ही है, चलो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर ताज़ा दम हो के उठूँगा और फिर ये जा और वो जा रेस मैंने जीत लेनी है। बस जी वो ये सोच कर सो गया। थोड़ी देर बाद कछुआ भी आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते वहाँ पहुँचा तो वो खरगोश को देखकर हैरान रह गया कि वो तो मज़े से सो रहा है, लेकिन वो ये देखकर खामोशी से आगे बढ़ गया। उसने कहा कि मुझे आराम नहीं करना, मुझे तो अपनी मंजिल तक पहुँचना है और अपनी रेस को जीतना है। वो वहाँ से गुजर गया और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो तो क्रॉस लाइन तक पहुँच गया, यानी कि जीतने वाली लाइन तक। ऐसे ही एकदम जैसे खरगोश की आंख खुली वो तो हैरान रह गया कि काफ़ी देर हो गई है। वो तेज़ी से भागा, भागते भागते वो तो क्रॉस लाइन तक पहुंचा। क्या देखते हैं कि कछुआ तो पहले ही पहुंचा हुआ है और वो तो उससे आगे निकल गया है। ये रेस तो कछुए ने जीत ली और खरगोश ने हार गया, क्योंकि खरगोश को अपने ऊपर बहुत गरूर था, अपनी रफ्तार पे, अपनी तेज़ी पे। उसने सोचा था कि कछुआ तो होता ही ऐसा है, बहुत रिंग रिंग के चलता है और मैं तो बहुत तेज़ जैसे हवा हो, मेरा क्या मुकाबला। और इस बात की उसे सज़ा मिली, वो दरमियान में सो गया, सोने की वजह से वो हार गया और कछुए ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता रहा और आखिरकार जीत गया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो सोता है वो खोता है, अरे नहीं नहीं वो खोता नहीं, ये दूसरे वाला खोता, यानी कि उसका नुकसान होता है। हमें कभी किसी बात पर गरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर किसी में कोई खासियत हो, कोई खसूसियत हो, तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए और ना कि दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को भी नामुकम्मल नहीं बनाया है। अगर उसमें एक छोटी सी कोई खामी रखी है तो उसके बदले उसे बहुत कुछ और दे दिया है, बहुत सी सलाहियतें और दे दी हैं। बस हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, गरूर कभी नहीं करना चाहिए, उसका अंजाम तो आपने देख ही लिया, जैसे खरगोश के साथ हुआ।
तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।